शहर भर में फैले डेंगू मलेरिया की रोकथाम हेतु और सुदृढ़ चिकित्सा व्यवस्था की मांग को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएमओ डॉ संदीप चौधरी को ज्ञापन सौंपा और शहर भर में फैले डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया एवं रहस्यमयी बुखार को देखते हुए सरकारी चिकित्सालय में सुदृढ़ चिकित्सा व्यवस्था की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इन खतरनाक महामारी से जनता ग्रसित है। सरकारी अस्पतालों में समुचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आमजन के हितों के लिए सरकारी चिकित्सालय में सुगम चिकित्सा सुविधाजनक व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसकी हम मांग करते हैं और इस बाबत सीएमओ डॉ संदीप चौधरी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। उन्होंने अस्पताल में बेड बढ़ाए जाने, 2 बजे के बाद ब्लड जांच सहित अन्य जांच की सुविधा प्रारंभ किए जाने, डेंगू मलेरिया से मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण बाजारों में नकली दवाओं की खपत बढ़ गई है, इस पर रोक लगाए जाने, महामारी पर अंकुश लगाने के लिए शहर में 2 शिफ्ट में स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर निगम को फॉगिंग करने का आदेश दिए जाने सहित 10 सूत्री मांगे की। वहीं सीएमओ डॉ संदीप चौधरी ने ज्ञापन लेते हुए जल्द मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। पत्रक मिला, आपको क्या समस्याएं हैं? ये आज हमें जिला के समाजवादी पार्टी के सभी जागरूक हमारे प्रतिनिधि लोगों द्वारा ये पत्र मुझे प्राप्त हुआ है, जो विभिन्न समस्याएं हैं जिस पर मैं उचित कार्रवाई यतिशीघ्र करूँ। किस तरह की समस्या लेकर ये लोग आए हैं? शहर की बहुत कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, मैं उनको पढ़ के उस पर यथाशीघ्र पूरा अपने तरफ से कार्रवाई करूंगा और जो नियम और कानून के अंदर होगा वो पूरा तत्काल किया जाएगा। क्या है आज किस मांग को लेकर? देखिए, हम लोग सीएमओ साहब से आए थे मिलने। जिस तरीके से ये देखिए, ये संसदीय क्षेत्र हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है और वो जो आंकड़े इनके बता रहे हैं कि सब कुछ वीवीआईपी व्यवस्था में अच्छा चल रहा है, लेकिन हम लोग विपक्ष आया है आज सीएमओ साहब से बताने कि किस तरीके से बीमारी का तांडव फैला हुआ है, किस तरीके से ये लोग केवल डेंगू के मरीजों की जान नहीं बचा पा रहे हैं। दीनदयाल के बेड सारे भरे हुए हैं, बीएचयू के बेड भरे हुए हैं, मरीजों को समुचित व्यवस्था नहीं मिल रही है, गलियां गंदगी, पूरा गंदगी का अंबार लगा हुआ है और इनकी जो व्यवस्था है वो बड़ी निंदनीय है। और हम लोग आज इनको ज्ञापन के माध्यम से ये बताया है हम लोगों ने कि ये जितनी असुविधाएँ हैं, जो जनता इतना सफ़र कर रही है, जनता परेशान है और सरकारी अस्पताल में जब सुविधा नहीं मिलेगी तो जनता प्राइवेट अस्पताल की तरफ भाग रही है और प्राइवेट अस्पताल किस तरीके से गरीब जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं। तो सरकारी अस्पताल में सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए, अन्यथा समाजवादी पार्टी विरोध करने के लिए सड़क पे आने के लिए एकदम तैयार है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ।